नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। थाना छपार पुलिस ने लाखों रुपए को मात्र 48 घंटे में बरामद कर घटना का खुलासा कर दिया। थाना छपार पुलिस कार्यशैली पर एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि रामपुर तिराहा पर एक दिन पूर्व 15 लाख रुपये से भरा कैश का बैग चोर चुरा ले गए थे, जिसमें पीड़ित गुरबचन ने थाना छपार पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया और चोरी हुए पैसों की बरामदगी को लेकर गुहार लगाई थी, जिसमें थाना छपार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी किए पैसों को बरामद किया। वहीं उन्होंने बताया कि पीड़ित गुरबचन के पैसे उसके साथ उसके दोस्त दीपक ने अपने एक मित्र के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। थाना छपार पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि चोरों के पास से 13,77,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 1,30,000 रुपये अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि अभी 2 दिन पहले थाना छपार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि गाड़ी से हरिद्वार की तरफ जा रहा था, उसकी गाड़ी से लगभग 15 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। और इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन किया गया था और थाना छपार की पुलिस इसमें 2 दिन से लगी हुई थी। इसका आज सफल अनावरण किया है। इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं दीपक पुत्र मामचंद जो कि चुड़ियाला का रहने वाला है, अजय पुत्र अजीत जो कि हद्दीपुर थाना कलियर जनपद हरिद्वार का रहने वाला है। इनका एक और साथी है, वो अभी नहीं पकड़ा गया, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से जो चोरी हुआ हुआ कैश है उसमें से 13,77,000 रुपये हमने बरामद किए हैं। और जो अभी तक हमने इनसे पूछताछ की है उसमें इन्होंने बताया कि जो वादी हैं गुरबचन सन ऑफ पहल सिंह जो कि चुड़ियाला के रहने वाले हैं, वो अपना कुछ कैश जो है दिल्ली से हरिद्वार की तरफ लेके जा रहे थे और अपने गाँव के ही एक व्यक्ति दीपक जो इसमें एक अभियुक्त भी है उसको भी साथ ये लेके गए थे। दीपक ने अपने साथी विजय और अजय इनको सूचना दे दी थी कि गाड़ी में कैश है और अपनी जो लाइव लोकेशन है वो भी इनको देता रहा। और रामपुर तिराहे पे जो तो कि थाना छपार में पड़ता है, वहाँ पे किसी बहाने से वादी को इन्होंने किसी काम से बाहर भेजा और गाड़ी में को खुलाई छोड़ दिया और फिर ये पीछे से आके कैश जो है चोरी करके ले गए। तो इसमें 2 व्यक्तियों को अभी तक हमने गिरफ्तार कर लिया, बाकी की भी हम गिरफ्तार। इतना कैश कहाँ से लाए थे, इतना कैश लेके? ये अपना जो निजी कैश है, इनका जो परिवारजन है वो कहीं विदेश में भी रहते हैं, वहाँ से ये कैश जो है वहाँ से लेके आ रहे हैं।